हाय गाइस, अगर आपका फ़ोन भी 1 GB 2 GB 3 GB रैम वाला है और अपडेट आने के बाद में आप लोगों का फ्री फायर भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो गाइस आप लोगों के सभी सॉल्यूशंस को लेके मैं आ गया हूँ एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि गाइस मेरे प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं वो आप लोगों को पता ही है कितने इफेक्टिवली काम करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को 5 ऐसी सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके अंदर आप लोग अब फ्री फायर खेल सकते हो उन सेटिंग के द्वारा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्मूथ, बिना लैग करे हुए, चाहे वो कोई सा भी फ़ोन हो, 1 GB का हो, चाहे 2 GB का हो, चाहे 3 GB का हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने फ़ोन को आप लोगों को दिखाया गेम खेल के, ठीक है, वो भी 28 अपडेट के बाद में कितना स्मूथ है वो, अल्ट्रा में तो नहीं, सॉरी गाइस, स्टैंडर्ड में है वो बिल्कुल आराम से चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि गाइस मैं मेरे फ़ोन को एकदम स्मूथली रखता हूँ, फ़ोन को इसलिए चल रहा था। और वहीं गाइस आज मैं सेटिंग अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या सेटिंग आप लोग वो रख सकते हो, कैसे अपने फ़ोन को स्मूथली है वो चला सकते हो आप, ठीक है। ये जो सेटिंग्स आप लोग अप्लाई करोगे, जो 5 सेटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ, उन सेटिंग्स के बाद में आप लोगों का कॉन्फिग है वो भी अच्छे से काम करेगा। जो आप यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं बता रहा इस वीडियो के अंदर, आप लोग कॉन्फिग यूज़ करेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, जो कि अपडेटेड होगी, बिल्कुल अपडेट के बाद में मैंने बनाई है वो होगी, ठीक है। तो उसको आप यूज़ करिएगा, प्लस आप लोग ये जो मैंने सेटिंग्स बता रहा हूँ आप लोग इसका साथ में यूज़ करिएगा, जिससे आप लोगों का जो कॉन्फिग है वो अच्छे से काम करेगा उससे, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली वाली जो सेटिंग है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस। जैसे ही आप लोग अपना जो गेम है वो ओपन करोगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग सेटिंग के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको ब्राउज़र क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से आप लोगों को क्लियर कैच करना है, जैसे ही आप लोग एक मैच पूरा करो या फिर जैसे आप लोग गेम है वो स्टार्ट करो तो आप लोगों को क्लियर कैच आउट करते रहना। ये काफ़ी बंदों को नहीं पता है, ये वाला ऑप्शन भी गैना वालों ने दिया है ताकि आप लोगों का गेम है वो स्मूथ चल पाए, बिना लैग के चल पाए, इसलिए ये ऑप्शन आप लोगों को दिया है, क्योंकि आपको बार बार जाके सेटिंग में क्लियर कैच करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सब इसके बाद। चलिए गाइज अभी दूसरे की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम फ़ोन में गाइज आप लोगों को डू नॉट डिस्टर्ब का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिल ही जाएगा, खास करके सैमसंग के जितने भी फ़ोन है उसमें आप लोगों को डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। 1 GB रैम वालों में कुछ एक फ़ोन में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। आप लोगों को सर्च कर लेना है, वहाँ पर जाके आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोगों को ऑन करके रखना जब भी आप लोग गेम खेलते हो, ठीक है गाइज। क्योंकि गाइज जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे फ़ोन जैसे मैसेजिंग वगैरह इनकमिंग होते हैं तो उसके कारण है वो लैग करता है, लैग करने के बाद में जो अलग प्रोसेस है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, उसके कारण है वो ऑटो बैक करता है काफ़ी बार, ठीक है। तो आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन है वो आप लोग ऑन करके गेम है वो खेलिया करें, ठीक है। चलो चलिए गाइज नंबर 3 की बात कर लेते हैं अपन। आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप लोग जो स्टैंडर्ड जो लिमिट होती है बैकग्राउंड प्रोसेस की, उसको आपको नो पे कर देना है, क्योंकि आपका कोई भी बैकग्राउंड में प्रोसेस है वो नहीं चलना चाहिए, और ठीक है। और डू नॉट कीप एक्टिविटीज़ वालों को भी आप लोगों को है वो ऑन कर लेना है, ताकि आप लोग जैसे ही फ्री फायर वो बैकग्राउंड में भेजो तो वो अपने आप वो कट जाएगा। इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है वो नहीं चल पाती है, तो इस कारण केवल फ्री फायर ही आप लोगों का चलेगा, बाकी एप्लीकेशन जितने भी बैकग्राउंड में वो नहीं चलेगी, तो उस कारण आपका लैग भी नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब से तो वैसे ही हो रहा है लेकिन आपका लैग भी नहीं होगा उससे, आप लोग ट्राई करिएगा ये सेटिंग। तो चलिए गाइज आते हैं हमारी सेटिंग नंबर 4 के ऊपर। गाइज आपको अपने फ़ोन की डेवलपर ऑप्शन में जाके आप लोगों को अपना जो एनिमेशन स्केल है वो आप लोगों को 0.5x पे ही रखना है, इससे ज़्यादा अगर आप लोग रखोगे तो आप लोगों का है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। कोई भी फ़ोन हो 0.5x एनिमेशन स्केल रखोगे तो आप लोगों को ऑटो बैक प्रॉब्लम में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी, वो ज़्यादा नहीं होगा उससे, और कॉन्फिग है वो अच्छे से काम कर पाएगा आप लोगों की प्रोसेस, ठीक है। जो नंबर 5 जो होने वाला है वो काफ़ी अलग अलग फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग सब अपने अपने फ़ोन में अलग अलग ट्राई कर लीजिएगा। जो नंबर जो 5 में बताने वाला हूँ वो सभी के लिए रैंडम अकेला नहीं होने वाला है, ये तो जनरली ये मैंने बताया, ये केवल कुछ एक फ़ोन में मिलते हैं, सब में फ़ोन में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ वो गाइस सभी फ़ोन्स में अब लगेगा, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक की मान सकते हो आप लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि अपने जो गेम्स के अंदर आप लोगों को सारे जितने भी हाई लेवल की कॉन्फिग ग्राफिक्स वाली जो क्लोथ्स है, ड्रेसेज है, वो सब आपको नहीं पहननी है, ठीक है। गन की स्किन वगैरह आप लोग रख सकते हो, लेकिन आप लोगों को ड्रेस है वो भारी भारी भरकम वो आपको ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को फ़ोन है, आप लोग गेम खेलते हो तो आप लोग कंटिन्यू गेम मत खेलिए खेला करो, ठीक है। जैसे आपने 2 मैच खेल लिया तो 2 मैच खेलने के बाद में 10 मिनट रुक जाओ, फिर बाद में 2 मिनट और खेलो, फिर आप ऐसे करके आप लोग खेलोगे तो आप लोगों का प्रोसेसर भी अच्छा चलेगा और आप लोगों का गेम भी अच्छा चलेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर मान लीजिए आपने फ्री फायर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, उसके 10 दिन बाद में आप लोग चलाओगे तो आप लोग का बिल्कुल स्मूथ चलेगा। क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि गाइज उस टाइम क्या होता है, प्रोसेसर होता है उसको थोड़ा रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। आप लोग कंटिन्यू 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खेलते हो तो उसका प्रोसेसर वो हीट करता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर फिर वो उसकी एफिशिएंसी है वो वैसे भी कम हो जाती है,
ठीक है, चाहे मैं 1 GB की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इससे कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्टेड होता है। बाकी आप लोग बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों का ऑटोबैक हो सकता है हो, लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर ये सेटिंग्स वगैरह यूज़ करोगे तो आप लोगों का 70-80% या फिर 90% तक आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गाइस मेरे खुद के फ़ोन में मैंने ट्राई किया, मैंने सारी सेटिंग है वो एकदम स्मूथ रखा है मैंने, मेरे लास्ट वीडियो के आप लोग देख सकते हो जाके, बिल्कुल आराम से चल रहा है फ्री फायर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन गाइस आपके फ़ोन में दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो सेटिंग्स जितने भी है, 2-4 सेटिंग्स और भी है जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि गाइस एक वीडियो में सभी जो सेटिंग्स वगैरह है वो सब नहीं आ सकती है, तो इसलिए गाइस मैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग गाइस सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि गाइस मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जितने भी है फ़ोन से रिलेटेड जितने भी है वो सब आप लोगों की सॉल्व हो सके, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से फ्री फायर खेल सको और अच्छे से आप लोग गेम प्ले कर पाओ, ठीक है गाइस। चलिए गाइस जल्दी से अपन सीख लेते हैं कि भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगाते हैं, क्योंकि गाइस कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसको आप लोगों को यूज़ करना है, प्लस सेटिंग्स आप लोगों को दोनों को यूज़ करके देखनी है। दोनों को आप लोग यूज़ करोगे बढ़िया तरीके से तो आप लोगों का हो सकता है कि 90% तक आप लोगों का ऑटो बैक है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि गाइस कॉन्फ़िगरेशन में दूंगा वो फुल वीबोट दूंगा, क्योंकि गाइस वीबोट ही काम करता है, बाकी आप लोग का वो जिसमें क्या अंदर क्या होता है ब्लैक बैकग्राउंड होता है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन गाइस फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि मेरा ऑटो बैक सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर इसलिए मैं वो देता ही नहीं हूँ, इसलिए फुल वीबोट दूंगा आप लोगों को। उसके अंदर करेक्टर एडम जैसा दिखेगा, लेकिन गाइस आप लोग वो फ्री फायर वो जरूर खेल पाओगे, 1 या 2 मैच आप लोग जरूर आराम से कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। जिनके भी 3 GB रैम का फ़ोन है, जिनके भी ऑटो बैक नहीं करता है, जिनका केवल लैग करता है, तो वो आप लोग वो कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ मत करना, केवल आप लोग सेटिंग्स को यूज़ कर लेना। सेटिंग्स को यूज़ कर लोगे तो ही आप लोगों की प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो जाएगी। और मैं बता दूँ एक्सपेंशन पैक वगैरह आप लोगों को बिल्कुल भी डाउनलोड करना नहीं है, और एक नेचुरली एक प्रोसेस होता है हर फोन के अंदर, वो क्या करता है दिन के लास्ट में जाके पूरा डेटा वो अपने आप वो क्लियर करता है। आप लोगों को सैमसंग वाले फ़ोन में आप लोगों ने देखा होगा कि हर रात के 12 बजे वो पूरा डेटा वो दिन का पूरा डेटा क्लियर कर देता है वो, तो जाके आप लोग उसे ऑन कर लीजिएगा। और जल्दी से गाइस वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगाते हैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो गाइस मुझे वो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से वो कॉन्फ़िगरेशन वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ZArchiver हो या फिर खुद का कोई एक्सट्रैक्टर हो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, और फिर उसको एंड्रॉयड में जाके डाटा में जाके आप लोगों को पेस्ट कर देनी है। ध्यान रखिएगा पहले आपको एंड्रॉयड में डाटा में जाके आपकी जो प्रीवियस फाइल है उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, और उसकी जगह मेरी वाली जो फाइल है जो आप लोग है लगाओगे उसको जाके आप लोगों को पेस्ट कर देना है। सिंपल से स्टेप है, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को एंड्रॉयड में जाना है, एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, एंड्रॉयड में जाना है, फिर डाटा में जाना है, वहाँ पे com.dts कुछ ऐसी फाइल मिलेगी उसको हटाना है, वहाँ पे मेरी वाली फाइल जो आपने एक्सट्रैक्ट करी थी उसको कॉपी करना है वहाँ से, और एंड्रॉयड में जाके डाटा में जाके वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल से स्टेप है। और अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी मुझे वो पूछ सकता है, वो हमारे ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि गाइस जितने भी क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है ऑटो बैक से रिलेटेड वो सब हम वहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग एडमिन को मैसेज करिएगा अगर आप लोगों की कोई दिक्कत रह जाती है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कोई अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा एक बार, और सेटिंग्स वगैरह आप लोग बिल्कुल भी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि गाइस हो सकता है आप लोगों का सही हो जाए। थैंक यू गाइस।